शॉकिंग टू हियर द न्यूज़ ऑफ डीन जोन्स पासिंग अवे टुडे। डीन जोन्स की खिदमत क्रिकेट में बहुत सारी रही है, एज क्रिकेटिंग की बात करें, कोचिंग की बात करें, कमेंट्री की बात करें, उन्होंने नाम हर जगह अपना मनवाया। 1984 में उन्होंने डेब्यू किया वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, वेस्ट इंडीज़ के टूर पे, और वहाँ से उन्होंने अपनी क्रिकेट कैरियर का आगाज़ किया। इंटरनेशनल में उन्होंने बड़े स्कोर्स किए, रन्स किए, हर जगह पे उन्होंने परफॉर्म किया और ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा भी रहे जब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीती थी। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में अगर बात करें कोचिंग की, तो कोचिंग के अंदर भी उन्होंने पीएसएल की तरफ से कोचिंग की, कराची किंग की तरफ से वो हेड कोच थे, उनकी टीम को सेमीफाइनल में इस साल पहुंचाने में बहुत मेन किरदार अदा किया। फिर उसके बाद कमेंट्री में उन्होंने बहुत नाम कमाया। मेरा उनके साथ इंटरेक्शन रहा बहुत दफ़ा, एज अ वो कमेंटेटर थे जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा था, तो उनके साथ ग्राउंड पे मुलाकात रही है और फिर पर्सनली भी मुलाकात रही है। ही इज़ ऑलवेज़ बीन वेरी सपोर्टिव और हमेशा जो है मोटिवेट करते थे, और उनके अंदर अच्छी बात यह है कि वो यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, उनको इनक्रेज करते थे अपनी एबिलिटीज़ पे काम करने के लिए। एंड इट्स रियली अ सैड मोमेंट दैट ही इज़ नो मोर विद अस नाउ। माई कंडोलेंसेज टू हिज फैमिली एंड टू हिज फ्रेंड्स एंड टू द होल क्रिकेट वर्ल्ड।